इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल को फॉर्मेट या रिसेट करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और अपने मोबाइल को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं या फैक्ट्री रिसेट करना चाहते हैं, सो बेसिकली देखिए आपको कैसे करना है। इसके लिए देखिए आपको अपने मोबाइल पर सेटिंग को ओपन कर लेना है और जैसे सेटिंग पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिसेट लिखकर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सेटिंग करनी है। चलिए नीचे आएंगे, सबसे अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपके मोबाइल में पहले से गूगल अकाउंट होगा उसको पहले आपको यहां से रिमूव कर देना है। देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां देखिए थ्री डॉटों का ऑप्शन मिलेगा, दो बिंदु का, तो हम क्लिक करेंगे और देखिए रिमूव वाले अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। सो आपको यहां पर जो अकाउंट है इसको यहां से रिमूव कर देना है। इससे अकाउंट को रिमूव करने से होगा ये कि जैसे अपने अकाउंट को यहां से रिमूव कर देंगे तो अब अगर अपने मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट करके आप ओपन करेंगे सो ओपन करते वक्त आपको ये जीमेल नहीं मांगेगा और आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा, वरना आपको वहीं से ओपन करते वक्त शुरू में ही जीमेल मांगने लग जाएगा तो आपको हो सकता है मोबाइल को ओपन करने में प्रॉब्लम हो। इसके लिए देखिए आप फिर जब कर चुके होंगे इसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिसेट का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। नीचे देखिए लिखा है इरेस ऑल फैक्ट्री रिसेट डाटा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए इरेस ऑल डाटा यहां लिखा है तो यहीं पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही यहां पर हम क्लिक करेंगे तो इरेस ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे और देन अपना आपको पासवर्ड डालना होगा। जो भी आपके मोबाइल पर पासवर्ड होगा वो अप्लाई करने के बाद आपसे पूछेगा रिसेट सेटिंग्स, तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन फिर से आपको वहीं पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल का जो डाटा सारा होगा वो रिसेट हो जाएगा, आपका मोबाइल है वो पूरे तरीके से फॉरगेट हो जाएगा। देन इसको कुछ टाइम लगेगा आपको मोबाइल को फॉरगेट होने के बाद, फिर उसके बाद आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। देन उसे आप बहुत ही आसान तरीके से ओपन कर सकते हैं। सो इस तरीके से ही आप अपने मोबाइल को रिसेट कीजिएगा, फॉरगेट कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है। मुझे रिसेट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रिसेट, फॉरगेट या फिर फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।